Mahi! Hey, Mahi! अरे भाई माई कहाँ भाई? जानू क्या हुआ? तुम उठ गए? उठ गए? कहाँ थे तुम रात भर? अरे हमारे मित्रों लोग आए थे भैया, तो हम उनके साथ चावल की ओर चले गए थे। एनी प्रॉब्लम? अरे बता के तो चले जाते। हाँ है? नहीं मतलब क्या, हर बात आपको बता के करें अब? अरे हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए आज सुबह से बादल हमारे पेट के अंदर धड़ाधड़ गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है शेर जैसा दहाड़े मार रहा हो, भौकाल मचा हुआ है पेट के अंदर, हमारा मन कर रहा है लोटा उठाए खेत की तरह दौड़ जाएं। क्या हुआ ठीक? कैसी गंदी बातें करते हो तुम? गंदी बात करते हैं हम? आप ही उतावली थी हमारे बारे में सब कुछ जानने के लिए, तो आप सुनिए। अच्छा सॉरी ना। अच्छा अच्छा भाजी जुकाम हो गया सारे को, खुद को हमारे नाक के अंदर घुसेड़ लेंगी तो आपको भी हो जाएगा ना, हम आपकी खातिर चिंतित हैं भाई। अपना ख्याल रखा करो जानू। ओके बेबी, पीटी पाई जानू, कंट्रोल योर सेल्फ। हमारे साथ डेट पे जाना है कि नहीं? सच्ची सच्ची इतने रॉकिंग हैंडसम डूड के साथ तो कपड़ा नहीं बदलोगी पगली? ठीक है मैं अभी तैयार होके आती हूँ। जाओ भौकाल मचा देंगे। जाओ 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 जाओ, ऐसे की तैसी तुम्हारी। आज के डेट में अगर तुम्हारा मटिया मेट ना कर दिया ना, मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना नहीं, पागल ना हो तो। क्या कर रही है रोशनी जी, कुछ तो शर्म कीजिए, हैव ए लिटिल सेल्फ कंट्रोल यार। बात करनी है तुझसे, चल चल मामा राम से। इधर बैठ इधर बैठ। रोशनी बेटा क्या चल रहा है, उस सरछाप के चक्कर में पड़ेगी अब तू। रोशनी सिद्धार्थ मरा नहीं है, सिर्फ गायब है, और उस आदमी की शक्ल सिद्धार्थ की तरह है, वो सिद्धार्थ है नहीं। डू यू गेट मी? यस। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? और ना तेरी माँ मैं, मुझे मत समझा, ये जो निशान है ना चूहे के काटने के और मच्छर के काटने के नहीं है, डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ मी हियर। उस लड़की की हालत देख, शबनम से शादी करने के लिए मरे जा रहा है और तू उसके, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ तो मॉम आपको क्या लगता है कि मुझे अपने पति की फिक्र नहीं है क्या? है ना, ऑब्वियसली मुझे सिद्धार्थ की ज्यादा फिक्र है, और फिर वो रघु, वो भी तो मैं क्या, वो नहीं, वो तेरा क्या 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 बोल, वो भी तो मेरा दोस्त था ना। शराब मॉम आप तो रहने ही दो, आपको तो सिद्धार्थ भी पसंद नहीं था पहले, उसे भी तो गालियां देती रहती थी, तो उसके बाद धीरे धीरे उसे भी तो पसंद करने लगी ना, आप तो रघु भी वैसे ही, उसको भी आप धीरे। रोशनी धीरे धीरे क्या, मैं परेशान मत करो, मुझे नहाना है। रोशनी स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप, बाहर निकल तेरी। तू सिद्धार्थ मेरा जमाई और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, याद रखना। तू बाहर निकलेगी तो मेकअप से वो निशान कवर करके आ। वाह भाई, अब तो मेरी पत्नी को भी मजा आ रहा है अपनी माँ को तंग करने में, पूरे पूरे मेरे वाले लक्षण आ गए हैं रोशनी के अंदर। सासू माँ भी यार फुल पावर है जी में, अब बड़ा प्यार आ रहा है सिद्धार्थ पे, हैं आइडियल जमाई एंड ऑल। अभी अगर सब कुछ छोड़ के इनके सामने आ जाऊं ना तो 100 गालियां दिल की और 150 जूते मारेंगे मुझे, ये औरत नहीं बदलने वाली कभी। है बड़ी हूर लग रही हो। हाँ ये आधा कपड़ा खुद पहनी हो, आधा दान में दे आई हो का? आ गई मां की कसम। का बोली? हाँ वो ए भोरिया, तुम जो मन में सोचती हो ना हमको सब समझ में आता है। ये बताओ ये आधा कपड़ा पहन के कहाँ जा रही थी? माई वो उन्होंने बुलाया था बस इसलिए। अच्छा उन्होंने बुलाया था, उन्होंने जो कहा था वो भूल जाओ, अब इन्होंने जो कह रही है वो सुनो। कि अपना लिपस्टिक विस्टिक ना, पूछो पूछो ये सब कहाँ है, ये सब लाली लिपस्टिक? हाँ और हमारे साथ मंदिर चलो, कल तुम्हारी मेहंदी की रात है, उससे पहले भगवान को अपने दर्शन तो दे दो तुम, और मंदिर ऐसे नहीं जा सकते, जाओ कपड़ा बदलो, पोछो इसको।
हाय बेबी, अरे वाह भाई, यू आर लुकिंग लाइक ए संस्कारी पटाखा। क्या अत्यंत भौकाल किस्म के कपड़े पहने तुमने, बहुत बढ़िया लग रही हो, कहाँ से आ रही हो? अरे वो तुम्हारी माई जी है ना, उनके साथ मंदिर गई थी। ओके। तैयार तो हुई थी मैं तुम्हारे लिए, पर उन्होंने मेरे कपड़े बदलवा दिए। अच्छा रघु, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहिए ना। रघु, तुम अपनी माई को समझा दो ना कि शादी के बाद इतनी टोका टाकी ना करे। आहा, हम पूरा समझ गए। शादी के बाद आपको स्वतंत्रता चाहिए ना? हाँ। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि उस इंसान को स्वतंत्रता एकदम नहीं मिलनी चाहिए जो आपकी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करे, समझी? और जिस दिन आपको स्वतंत्रता मिल गई, हमारे लिए तो वही स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। ओ रघु, यू आर सो स्वीट। मान गए आपको भी माई, जिस तरीके से आप तिल तिल करके शबनम को तड़पा रही है, वही करते रहिए, अपना काम और भी आसान हो जाएगा। क्या सोच रहे हो रघु? क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके इंतजार में हम सुबह से 5 लीटर पानी पी चुके हैं, अब हमारे ब्लैडर से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम तो रहा नहीं जा रहा, हमारा मन कर रहा है कि दौड़ के भागे, एक नंबर निपटा ही आए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आप बेटर को बुलाइए और अपने लिए कुछ बढ़िया सा खाने के लिए मंगा लीजिए और एकदम स्वतंत्र होके खाइए। हाँ हाँ, मैं ऑर्डर कर लूंगी, बट तुम जल्दी आना प्लीज। आ रहे हैं विद इन 5 मिनट। आ रहे हैं। वेटर, मेरा ऑर्डर ले लो, मुझे 2 कॉफी चाहिए, 1 पास्ता और 1 ग्रिल सैंडविच। के मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लिए। ये किसने ऑर्डर किया है? मैंने तो नहीं किया। वो सर ने ऑर्डर दिया है। अच्छा वो तुम आ गए। आई जस्ट होप ये प्लान वर्क कर जाए, ये सारे अतरंगी प्लान ना सिद्धार्थ ही बना सकता है। आप टेंशन मत लो भाभी, सब सही होगा, सिद्ध भाई सब संभाल लेगा ना। भगवान प्लीज सब ठीक कर देना, मेरे सिद्धार्थ को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। चलो जा सकते हैं। क्या अगर तुम्हें कुछ पता है तो बता क्यों नहीं देती हो मुझे? कृतिका, आई नीड योर हेल्प। तुम जानती हो सिद्धार्थ जिंदा है, मैंने उसे देखा, मैं भी जानती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रही हूँ? कुछ पता है तो बता दो। ऊपर से वो जो रघु है ना, वो पता नहीं अपनी बातों में रोशनी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। रघु है इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, अगर वो सिद्धार्थ होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। सिद्धार्थ को ढूंढना बहुत जरूरी है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ। हे भगवान, कहीं सिद्ध के प्लान की वजह से दीदी मुसीबत में ना पड़ जाए। मुझे इनसे छुपाना होगा। सिद्ध शबनम के राज को खोलने के बहुत करीब है, मुझे ही थोड़ा सा सख्त बिहेव करना होगा।
बस दीदी पटेल, बहुत बात कर ली आपने मेरे बेटे की, बस अब बहुत हो गया है। मेरे सिद्धार्थ के बारे में पूछने की कोशिश मत कीजिए आप। आप तो वाकिफ है ना कि एक माँ के इमोशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और प्लीज मेरे बीते हुए कल को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए आप। पर माँ आप तो प्लीज कृतिका, तुम कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें भी इस नौटंकी में बहुत मजा आने लग गया है। मैंने सिद्धार्थ को खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कह रही हूँ मिसेस खुराना। लेकिन मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है दीदी पटेल। तो मेरे जमाई के बारे में आप ना बोलना बंद करेंगी? मदद नहीं करनी, मत कीजिए, लेकिन अपने इमोशंस को जरा कंट्रोल में रखिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। यस यू आर एक्सक्यूज। मॉम, बस कृतिका अब और कुछ मत कहे। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि कम से कम दीदी अपने जमाई के बारे में कोई वैल्यू तो रख रही है अब। आई नो मैंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर दी, लेकिन हमारा सेट आ गया, अब देखना वो सबकी ओवर एक्टिंग निकाल देगा। वहीं रुक जाओ शबनम। कब तक ऐसे भागते रहोगे सिद्धार्थ खुराना? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। कैसे आओगे? डर गए ना? क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें गोली से उड़ा दिया था, याद है ना तुम्हें? हलक में सांस अटक गई है, गले से आवाज नहीं निकल रही, और तुम मुझसे डर की बात कर रही हो। शबनम, ये सिद्धार्थ खुराना जो मौत को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ा है, ये किसी से नहीं डरता। अब डरने की बारी तुम्हारी है, और मुझसे मिलने की इतनी भी क्या जल्दी है तुमको? साली साहिबा है ना तुम्हारे पास, वो मेरा बहरूपिया, क्या नाम है उसका, रघु, काम चलाओ उससे, और मैं भी तुमसे जल्दी मिलूंगा, बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत सारे हिसाब चुकाने बाकी हैं। एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूं तुम्हारे लिए, अपने सामने देखो। घबराओ मत सारी साहिबा, ये गोलियां काटती नहीं। उठाओ उठाओ। जो गोलियां मुझे खत्म नहीं कर पाई तुम्हारे लिए लाया हूं। पहचाना इनको? ये वही गोलियां जो तुमने मेरे सीने में दाग दी थी। ये गोलियां भी सिद्धार्थ खुराना को हरा नहीं पाई, लेकिन इस बार ये गोलियां मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाने के लिए। और इस बार ये गोलियां हार नहीं मानेंगी। तुम चाहते क्या मुझसे? सच, मैं सच चाहता हूं शबनम, और इसके लिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। इन 3 दिनों में तुम्हें सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाना होगा, सबको सच बताना होगा, अपने वजूद के बारे में सब कुछ बताना होगा। कानून के सामने तुम्हें खुद को बेनकाब करना होगा। तुम्हारी शादी है ना 3 दिनों में उस बहरूपिये के साथ, उससे पहले पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए। याद रखना शबनम, इन 3 दिनों में हर पल हर लम्हा मेरी नजरें तुम पे कड़ी होंगी, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जो तुम्हें नहीं करना चाहिए तो तुम बहुत पछताओगी। जाने से पहले एक और बात सुन लो, अब शुरू हुआ है सिद्धार्थ खुराना का खेल। Come down.
थक ही नहीं, पक भी गया। दो लोगों की जिंदगी जीते जीते। मैं एक बात बताऊं, अब मुझे लगता है कि शबनम अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगी, और अगर अब भी नहीं किया तो हम अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या करना। वाह, इतनी अच्छी एक्टिंग कब सीखी? अच्छी लगी तो अवार्ड दे दो। सिद्धार्थ, पब्लिक प्लेस है, पागल मत बनो, हर जगह रोमांस सोचते रहते तुम। रोमांस नहीं तो क्या सोचेगा? छह महीने से तुम मुझसे अलग हो, टेक्निकली एक पराए मर्द के साथ हो। आपको चाहे पब्लिक प्लेस हो चाहे सुनसान इलाका हो, तुम पता है मेरा क्या मन करता है? बताऊं? पब्लिक प्लेस करके मेरा मन करता है कि सारा दिन तुम्हें गोदी में उठा के ऐसे 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 घूम। तुमने कैमरे की आवाज सुनी? हाँ सिद्धार्थ मैम। लफंडर, इतनी मार खाएगा ना पिंटू, कसम से मुझे लगा शबनम ने फोटो फोटो खींच लिए। चलो मुझे पिंटू, मेरे फेवरेट जोड़े की फोटो मिल गई हमेशा के लिए, और मुझे मेरी फेवरेट तिगड़ी की फोटो चाहिए। चल सेल्फी ले। एक्सक्यूज मी, हम मौत गले पे लटक रही है हमारे, लेकिन फोटो खींचने से नहीं चुके हैं। पिंटू मुझे ये सारी फोटोज देना प्लीज। हां, दिस द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। इसमें कितना एडवेंचर है बता। देखिए जरा इस डायन को, है बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। तुम्हारे बेस्ट फेज के अंदर मैं तो था नहीं तुम्हारे साथ। हाँ ये देखो, मुझे ये बताओ कि रघु और सिद्धार्थ में कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग है? ऑब्वियसली तुम नहीं, रघु। लड़की मार खाएगी मुझसे। चलो अच्छा, बात आगे तो बढ़ रही है, फालतू के चोचले खत्म तो होंगे ये। हाय हाय हाय, ये फालतू के चोचले से का मतलब है तुम्हारा जी? मतलब की क्या बात है? तुम्हारा बेटा यूजलेस है और एक यूजलेस लड़की से शादी करने जा रहा है। अरे कैसी औलाद है तुम्हारी, शादी होने वाली है और दो दो लड़कियों को एक साथ घुमा रहा है। डिस्कस्टिंग, कैसी परवरिश है तुम्हारी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको तुम छोड़ेंगे नहीं। देखो देखो, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ देखो, ये लगा देंगे। स्टॉप इट, जो कुछ तुम अंग्रेजी में हमको कह रही हो ना, वो सब तुम हो। स्टॉप इट, लगा देंगे। अच्छा छोड़ देंगे। अरे मजाक है ये, पागल हो गई हो क्या? पागल तुम लोग हो गए हो, और संभालो इसको। कहो औकात में रहे और अपने बेटे को भी काबू में रखे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी पटेल भूलो मत, ये मेरा घर है। हाँ तुम्हारा घर है। साफ करो अपना घर। अजीब नकचढ़ी औरत है ये। माई आप मुझे बताओगे ये सब हो क्या रहा है? हमको भी नहीं पता ये सब कहाँ हो रहा है। तुम छोड़ो ना इसको, तुम रघु से मिलने जा रही थी ना, जाओ वो तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा है। जाओ जाओ जाओ। अब देखो कैसे फैला दिए, सब कुछ हमको करना पड़ेगा। अजीब औरत है ये, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है? रघु, बेबी आई एम सो सॉरी। काहे का सॉरी भाई, अरे कैसे कर दिया आपने हमारी, बताइए। उस दिन पहले आप सगाई से गोल हो गई हैं? सब लोगों के सवालों का सामना जो है हमें करना पड़ा, और आज हम आपको डेट पे लेकर गए तो वहां से भी आप गायब हो गई। मजाक ही बना रखा है यार रघु की जिंदगी का आपने। अब बताइए, कल को शादी होगी तो क्या करेंगे भाई? अगर शादी के मंडप से उठ के चंपत हो गई तो कितने लोगों को कितने जवाब देंगे आप? ऐसा है, अगर तो आप हमसे प्यार करती हैं तो साफ साफ कह दीजिए, और अगर जो नहीं करती हैं तो भी साफ साफ बोल दीजिए। कम से कम 25 लोगों के सामने अपना उल्लू तो ना बनवा ले हम। हटाइए यार, बात ही नहीं करनी है। रघु रघु प्लीज मत जाओ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे क्या माफ कर दो यार, माफ कर।
अच्छा मेरी तरफ देखो रघु, अबे यार मैंने एक लेंस तो पहना ही नहीं, ये लेंस है कहाँ? रघु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मत जाओ। जाइए भैया, हमको आपके आप 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 आप, आप जाइए अपने कमरे में, अपना काम हम करिए ना, हमको अकेला छोड़ दीजिए। एक सेकंड रघु,